हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है अभय सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है जेएनबी मंत्रा पर। बच्चों, आज जो है मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला को लेकर आ गया हूँ और ये ऐसे क्वेश्चन को मैं लिया हूँ बच्चों जो आपके एग्जाम में हर बार पूछ लिए जाते हैं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, भगा भगा के नहीं देखना है, ठीक है? तभी आपको हर क्वेश्चन जो है अच्छे समझ में आएगा। इसमें मैं बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ बच्चों, ठीक है? आज के इस वीडियो में हम लोग आकृति मिलान, ठीक है ना बच्चों, फिगर मैचिंग जिसको कहते हैं, ठीक है, आकृति मिलान बच्चों उसी वाले चैप्टर से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये आपका रीजनिंग वाला प्रश्न पूरा रहेगा और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों जो आपके एग्जाम में हर बार पूछ ले जाते हैं। तो आपको पूरा वीडियो देखना है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर वन है उससे हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। आकृति मिलान वाला आपका जो प्रश्न है उससे हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है? देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दे दिया गया है, कुछ इस प्रकार से ये बना हुआ है। इसमें देखिए बच्चों, आकृति मिलान में होता क्या है, यानी कि फिगर मैचिंग वाला चैप्टर में आपको याद रखना है। आकृति मिलान वाले चैप्टर में एक चीज हमेशा आपको ध्यान में रखना होता है कि इसमें जो प्रश्न आकृति रहती है ना बच्चों, सेम वैसा ही हमें उत्तर आकृति में से ढूंढना होता है। तो यहां पर देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यहां पर इस प्रकार से क्रॉस की तरह बना हुआ है, ठीक ऐसा ही इमेज हमें इन्हीं चारों में से ढूंढना है। इन्हीं चारों में से कौन सा ऐसा इमेज है जो एकदम सेम ऐसा ही है, समान एकदम, ठीक है ना, एकदम समान आकृति आपको बताना है बच्चों। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों कि देखिए, इसमें दो क्रॉस की तरह है बच्चों, ठीक है, इस तरीके से और इस तरीके से एकदम लाइन टू लाइन ऐसा जो है क्रॉस की तरह दोनों साइड इस तरीके से बना हुआ है बच्चों, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें साथ साथ दोनों मिल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो तीन है, ये गलत हो जाएगा बच्चों। इसमें भी एक दो तीन है, क्रॉस गलत हो गया। इसमें भी देखिए एक दो तीन, तो तीन वाला तो हम तुरंत काट देंगे। अब बच्चा हम लोगों के पास ये देखिए दो, तो यही हम लोगों का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपको एक एक करके ढूंढना है, इसमें ज़्यादा ये कठिन नहीं बच्चों, बस ध्यान से आपको देखना है और तुरंत यहाँ पर मैच कर लेना है। देखिए, जैसे कि यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन, एकदम लगेगा कि सब समान है, एक ही जैसा है, बट आपको एक एक चीज का ध्यान में रखना है, बस आपको याद रखना है। देखिए, पहले ऊपर की तरफ देखिए, ऊपर की तरफ इस आकृतियों को देखिए, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक गोला बना हुआ है और बीच में ऐसे है और साथ में इस तरीके से है, तो ऐसा ही ठीक एकदम इधर ढूंढ लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर गोला में सीधा लाइन है, आप देख पा रहे होंगे, तो ये तो ऐसे ही कट गया, ठीक है बच्चों। यहाँ पर दो लाइन है, यहाँ पर देखिए तीन लाइन है, ऐसे ही कट गया। इसके बाद यहाँ पर देखिए लाइन है बच्चों, और यहाँ पर देखिए आयत की तरह बना हुआ है, ठीक है, तो ये भी कट गया। तो हम लोगों का बचा बस यही, तो सही आंसर सी वाला हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से आपको एक एक क्वेश्चन यहाँ पर ढूंढना है बच्चों। अब देखिए, यहाँ पर एक प्रकार से देखिए, इधर ब्लैक साइड इधर लगा हुआ है, तो इधर ही हम इमेज में देखेंगे कि किधर लगा हुआ है, तो ये तो पहले ही कट जाएगा, ये हो सकता है और नहीं तो ये हो सकता है, ये तो दोनों कट गया। देखिए, यही होता है, आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट करना है, ठीक है बच्चों। तो ये दो में से कोई एक हो सकता है। अब नीचे का देख लीजिए, यहाँ पर देखिए त्रिभुज में एक बिंदी की तरह बना हुआ है, और देखिए यहाँ पर त्रिभुज में ये लाइन की तरह बना हुआ, तो ये तो ऐसे ही कट गया। तो हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा बच्चों, डी वाला। देखिए, ये भी मिल रहा है, यहाँ पर देखिए ये भी मिल रहा है ना, और इसके बाद इधर साइड वाला भी बच जा रहा है, तो हम लोग का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। हम लोग का सही आंसर बच्चों ये आपका डी वाला, हम लोग का सही आंसर यहां पर देखने को मिल जाएगा बच्चों, डी इज द राइट आंसर, ये हमेशा याद रखिएगा, डी वाला क्या हो जाएगा, यहां पर सही आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे बच्चों। यहां पर अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर देखिए एक दो तीन चार बॉक्स में चार गोले की तरह बना हुआ है, तो यहाँ पर देखिए चार बॉक्स में चार गोले की तरह तो सब में बना हुआ है, बट यहाँ पर देखिए प्लस माइनस याद रखिएगा, जैसे इस तरह से है बच्चों, मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ अच्छे से इसको, इस तरीके से यहाँ पर एक प्लस है, फिर माइनस है, फिर यहाँ पर माइनस है, फिर प्लस है, यानी कि प्लस प्लस एक साइड, माइनस माइनस एक साइड, तो यही हमें ढूंढना है कि प्लस प्लस एक साइड किधर है और माइनस माइनस किधर है। तो यहाँ पर आपको उतना नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे डायरेक्ट आंसर इसका बतला दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा इरेज हो गया है बच्चों, ठीक है। तो फोर वाले का सही आंसर यहाँ पर सी वाला मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। देखिए, यहाँ पर प्लस है, ठीक है, और इसके अंदर भी यहाँ पर प्लस है, और ये दोनों माइनस माइनस है, ठीक है। तो ये हम लोग का सही आंसर हो जाएगा, बाकी यहाँ पर ये गलत हो गया, ये क्रॉस की तरह बना है, इसमें भी नहीं होगा, और ये इसमें तो तीन प्लस की तरह बना हुआ है, तो इसका भी सी वाला सही आंसर हो जाएगा बच्चों।
ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे बच्चों। यहां पर पांचवें नंबर का देखिए, अब यहां पर देखिए टोटल इस तरीके से आकृति बनी हुई है, इसमें सही आकृति हमें बताना है। यहां पर देख पा रहे होंगे कि टोटल यहां पर एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार और इस तरीके से बनी हुई है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सही आंसर बताइए, सही आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सही आंसर मैं आपको बतला दे रहा हूँ, ठीक, हमें ऐसा ही इमेज ढूंढना है बच्चों, ठीक, ऐसा ही हमें इमेज चारों में से ढूंढना है। तो ऐसा ही इमेज हमें चारों में से कौन मिल रहा है बच्चों, ये बी वाला मिल रहा है। कौन सा मिल रहा है बच्चों, बी वाला मिल रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि सेम ऐसा ही इमेज हमें बी वाला मिल रहा है, क्योंकि देखिए ये वाला तो नहीं हो पाएगा, इसमें तो ऐसे ही खाली है, और ये देखिए थोड़ा सा तिरछा है ये, तो ये भी नहीं बन रहा है क्योंकि इसका डिजाइन अलग है बच्चों। लेकिन बी वाला एकदम सेम टू सेम यही है, तो बी वाला हम लोग का सही आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब इस तरीके से देखिए ऊपर दो गोला है, तो ऊपर दो गोला है ये ही, यहाँ पर देखिए इसमें भी नहीं है, ये कट जाएगा, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, हम लोग का देखिए यहाँ पर दो गोला वाला ही मिल गया इमेज, इसीलिए इसका भी बी आंसर सही हो जाएगा एकदम आराम से बच्चों, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे बच्चों। यहाँ पर देखिए तीर की तरह इधर है और तीर की तरह यहाँ पर भी है, तो तीर जो जो रहेगा ना, तो वो तो पहले आंसर यहाँ पर नहीं हो पाएगा, पहले सभी में मिला लेंगे, तो यहाँ पर तीर नहीं, इसको हटा दीजिए। और इसके बाद ये देखिए नीचे की तरफ भी ये बना हुआ है, ठीक है, इसमें नीचे की तरफ नहीं बना, ये भी कट जाएगा, ठीक है बच्चों, ये भी आपका कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए दो गोला की तरफ बना हुआ है यहाँ पर, तो इसमें गोला नहीं है, कट जाएगा। यानी कि सही आंसर आपका सी वाला आपका आ जाएगा बच्चों, यानी कि सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ पर देखिए दो यहाँ पर खड़ी रेखा है, इधर तीन है, इधर तीन है, इधर दो है, यानी कि ऊपर दो हमें ढूंढना है। तो ऊपर देखिए दो तो एक दो तीन में है, ये तो पहले गलत हो गया, और इस साइड तीन हमें मिलना चाहिए, तो इस साइड यहाँ पर देखिए दो ही है, ये भी कट गया, ये भी कट गया, लेकिन ये देखिए ऊपर दो है बगल में तीन वाला लाइन, ऊपर दो है बगल में तीन वाला लाइन, यानी कि ये वाला हम लोग का सही आंसर हो जाएगा बच्चों, एकदम सेम टू सेम हमें इमेज यही मिल गया, ठीक है। तो ये हम लोग का सही आंसर आ जाएगा बच्चों, आठ का सी वाला। तो आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा वीडियो बच्चों, अगर कुछ भी नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही बच्चों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।